हेलो दोस्त, आप लोग सब कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों को मेरा लाइफ का कुछ यादें शेयर करने वाला हूँ। जैसे मैं छोटा में क्या करता था, आज भी क्या करता हूँ। मेरा जन्मतिथि है 26/5/1986 साल। मैं बचपन से बहुत मुश्किल से गुजरा हूँ। उस टाइम मेरा घर का हालत बहुत बुरा था। बुरा मतलब था रुपए में सब कम ही था। हम लोग ज़्यादा खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर करते थे और खेतीबाड़ी हमारा खुद का तो नहीं था, दूसरे का खेतीबाड़ी में खेती करके हम लोग गुजारा करते थे। जब धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, मेरा फर्स्ट क्लास में जब नाम लिखा गया, उस समय से मुझे तो याद है। उससे पहले क्या हुआ मुझे इतना पता था, उससे पहले हम लोग का खाने पीने का बहुत मुश्किल था। एक दिन खाते थे, 3 दिन भूखा रहते थे। उस समय ऐसा ही परिस्थिति था कुछ गांव का, हमारा घर का, दूसरे का घर तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जब फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ने लगा, शुरू किया, तो उस समय मेरे घर में इतना भी पैसा नहीं था किताब खरीदने के लिए। उस टाइम किताब का 5-10 रुपया था दाम, कोई 5-10 रुपया भी नहीं मिल रहा था हमको खर्चा, मतलब किताब खरीदने के लिए। बहुत मुश्किल से भी धीरे धीरे पढ़ने लगा। और मेरा घर में हम लोग 6 भाई 2 बहन थे। उस समय सब भैया हमसे मतलब बड़ा हुआ करते थे, वो दूसरे के घर जाके काम धंधा कुछ करके जो भी कमाई होता था उसी कमाई से हम लोग का घर चलता था उस समय। और ऐसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा। प्रथम क्लास से द्वितीय क्लास आ गया, 2 क्लास, 3 क्लास, ऐसे ही धीरे धीरे करने लगा। लेकिन छोटा से मैंने भी बहुत मेहनत किया हूँ, जाके खेतीबाड़ी में भी काम किया हूँ पिताजी के साथ, भैया के साथ। अगर थोड़ा बहुत हेल्प भी करता था उनको, अगर फिर भी भैया लोग बोलते थे पढ़ाई के साथ साथ काम धंधा भी कुछ कर ले, क्योंकि सब जो परेशानी में थे घर लोग, तो उस टाइम में जो भी दूसरे के घर काम करने में जाते थे भैया लोग और पिताजी, उस समय लोग काम करके आएंगे बाहर से, रात को 8-9-10 बजे ऐसे आएंगे। हम लोग उसको इंतज़ार करके रहते थे कब आएंगे भैया लोग। रात 10-11 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है कब आएंगे पैसा लेकर, हम लोग इंतज़ार में करते थे। जब पैसा लेके आते थे काम ख़त्म करके, उस समय पैसा लेके हम लोग को कहीं से किसी के घर उधारी चावल मांग के, चावल या आटा कुछ भी मांग के हम लोग का गुजारा करते थे। नहीं तो अगर रात को दुकान भी पास में होता था, दुकान वाला सो चुका होगा उसको भी जाके जगा के हम लोग उसको खरीद के आटा या चावल लाके खाना पीना बना के खा के सोते थे 12-1 बजे रात को। उस समय ऐसा हालत था हम लोग का। बहुत मुश्किल से हम लोग छोटा बचपन का टाइम ऐसा था, बहुत मुश्किल हम लोग से हैं। तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर 5वां क्लास 6 क्लास 7 क्लास ऐसे हुआ। जब 7 क्लास में मैं पढ़ाई करता था, उससे मैं वैसा ही कुछ भी नहीं सुधर गया था। उसी से मैं ज़्यादा खेतीबाड़ी का काम करने लगा और सुबह चला जाएंगे, भोर 4 बजे से पिताजी भैया सब खेती करने चला जाएंगे। हल हम लोग को बलद बोलते हैं, बलद लेके हल लेके खेती को चला जाता थे। भोर 4 बजे से या 5 बजे से सुबह सुबह
तो जब खाने का सुबह नाश्ता का टाइम पे नाश्ता टाइम हो जाता था हम लोग का नाश्ता, तो उस समय तो इतना पैसा पैसा नहीं, नाश्ता भी यहाँ पे बाहर में भी नाश्ता नहीं मिलता था पहले। हम लोग क्या करते थे, घर में जो हम लोग का चावल वो भात बोलते हैं, वो भात लेके हम लोग खेती, आलू का सीजा हुआ आलू, इसमें टमाटर और नहीं तो इमली और आम का कटिंग वाला जो पीस आता है आंबूला हम लोग बोलते हैं, उसी को साथ में लेके जाते थे। ठीक टाइम हो जाएगा, 9 साढ़े 9 बजे हो जाएगा, मैं लेके खाना देके खेती में फिर वापस आके स्कूल निकलता था, और कभी कभी भी वहाँ पे रह के भी खेती बाड़ी थोड़ा बहुत कर देता था भैया और पिताजी के साथ साथ। और वहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा था मुझे, जो खाना लेके जा रहा था मैं हमेशा पिताजी के साथ में खाता था। बहुत इतना मतलब भूख का टाइम होता था, इतना टेस्टफुल लगता था वो जो इमली टमाटर और आलू का सीजा, ये सब बहुत अच्छा लगता था खाने के लिए खेती में। आप लोग तो खाए होंगे या नहीं खाए होंगे वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा बचपन का सब इसी तरह गुजारा हुआ है। कभी भी पिताजी, कभी कभी मैं गुस्सा होकर भी खेती बाड़ी को नहीं जाता था, तो पिताजी और भैया लोग सब गुस्सा करते थे, तो थोड़ा बहुत हमको हेल्प तो करना चाहिए, कुछ भी खाना पीना ला के दे देना चाहिए पास में, नहीं देगा तो क्या हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे, हमारा मजबूरी ऐसा ही था, हमको भी मतलब करना ही तो पड़ेगा। नहीं तो भैया जी ने किताब नहीं मिल देंगे, ऐसा सब डर रहता था हमको उस समय। और घर में जो परिवार भी बड़ा परिवार था, और कमाने वाला एक दो कमाने वाला उस समय का एक दिन का मजदूरी, मतलब एक एक दिन मजदूरी करके पैसा कमाते थे, एक दिन का मजदूरी का पैसा कितना होता था या पता मुझे, या 3, 5 या 6 रुपया ऐसा एक दिन का, मतलब सुबह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक काम होगा, 6, 7 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया ऐसे मिलता था उस टाइम। पर 3 रुपया 5 रुपया में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ठीक है, उसी समय धीरे धीरे हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ने लगे सब। फिर मेरा धीरे धीरे क्लास भी बढ़ते गया, मैं धीरे धीरे क्लास पढ़ने का टाइम से भी मैंने कमाने का थोड़ा बहुत भैया पिताजी के साथ हेल्प करने लगा। धीरे धीरे उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि देखो छोटा भाई इस तरह हमारे साथ भी काम थोड़ा बहुत कर लेता है। और अब यकीन भी नहीं करोगे, मैं कीचड़, ये जो बारिश का सीजन में जो खेती में जो काम धंधा होता है, आप लोगों को तो पता है धान का खेती कितना पानी में मतलब अंदर घुस के आपको झुक के काम करना पड़ता है। मैं भी वो काम किया हूँ बचपन में, बहुत उस टाइम में हमको तकलीफ हो रहा था, फिर भी क्या करे, घर का परिवार बारे में सोचना ही पड़ता था। और इसी तरह हम लोग बहुत मतलब मेहनत करके धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। फिर मेरा क्लास बढ़ते गया, जाते जाते 8 क्लास में मेरा थोड़ा ज़्यादा जब पढ़ाई का खर्चा होने लगा, तब घर में मना कर रहे थे कि तू तो अगर पढ़ाई करना तो बढ़िया से कर, नहीं तो नहीं पढ़ाई करना तो कहीं से ये कर। लेकिन घर का जो इतना बुरा हालत था, आप लोग तो बता रहा हूँ, एक दिन अगर खाते थे 3 दिन भूखा प्यासा रहते थे उस टाइम, कोई मतलब अरे कहीं से अगर धान पान मिल जाता था तो धान क्या करते थे उस टाइम, ढिंकिया है, ढिंकिया से कूट कूट पे चावल निकलता था उस टाइम। मैं तो कभी जो मशीन भी नहीं था धान पीसने वाला मशीन, ढिंका में कूट कूट के चावल निकलता था उस टाइम, रात को वही शाम का टाइम भी कूट के चावल निकाल के हम लोग खाना पीना बनाते थे। और जब मैं 8 क्लास में हो गया,
एट क्लास जब तक हो गया उस टाइम तो काफ़ी बड़ा हो गया था, कम से कम एट क्लास में तो 12-13 साल का आसपास हो गया था मैं तो। और कुछ मैं भी एट क्लास से खुद कमाने लगा कि एक छोटा सा दुकान डाला था, जैसे हो गया एसटीडी, उस टाइम था एसटीडी, रिलायंस का मशीन आता था एसटीडी पीसीओ, वो पीसीओ और कुछ स्टेशनरी के आइटम लेके एक छोटा सा गुमटी में दुकान किया था गांव में, और वो दुकान धीरे धीरे चलने लगा अच्छा। तो उसी दुकान से मैं पढ़ाई करके अपना गुजारा करता था, और भैया लोग को भी थोड़ा हेल्प, पिताजी को थोड़ा हेल्प भी मिल गया। और पिताजी लाइफ में इतना मेहनत किए हैं, आप लोग यकीन भी नहीं कर पाओगे, बहुत मेहनत किए हैं मेरे पिताजी, भूखा प्यासा रह के हम लोग को खाना कहीं से भी पैसा इंतजाम करके खाना ला के खिलाते थे। और मेरा पिताजी सबसे अच्छा बात, मेरा पिताजी जो है एक ईमानदार आदमी है, कभी झूठ ही नहीं बोलते थे। और पिताजी के बारे में तो सुन लिया आप लोगों ने, और पिताजी हमेशा बोलते थे तो पढ़ाई कर, लेकिन मेरे पढ़ाई तो मेरा मन था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्या करें जो घर में ऐसा हालत था, सबका बुरा हालत था, पैसा में पैसा का कमी था, बहुत मुश्किल से हम लोग धीरे धीरे बड़ा होने लगे। भैया लोग मेरे को भी बहुत हेल्प किए हैं, ऐसे आज भी कोई काम पड़ता है तो हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत मेरे को। लेकिन हाँ, मैंने दुकान तो करके अपना गुजारा किया, उसी में पढ़ाई धीरे धीरे करने लगा, और घर को का घर का काम भी थोड़ा बहुत हेल्प करना, वो भी छोटा से हेल्प करता था, आज भी थोड़ा बहुत हेल्प ही कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, करना तो पड़ता है, घर का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैं दुकान डाला, मेरा 9 क्लास हो गया, 9 से 10th एग्जाम दे के मैंने चला गया था बाहर, मतलब मुंबई चला गया था कुछ दिनों के लिए। 10 के बाद मैंने चला गया मुंबई, 3 साल मुंबई में रुका। उस समय मेरे एक गाँव का बाजू में एक भैया होंगे, उनके साथ चला गया था कमाई करने के लिए, लेकिन वहाँ से जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हुआ, मेरे को काम नहीं मिला, क्योंकि मैं एज मेरा उम्र कम ही था, यहाँ पे एंट्री करने के लिए कंपनी में कम से कम उम्र का तो 18 साल होना चाहिए, लेकिन मेरा 18 साल नहीं हुआ था, जिसके वजह से मुझे कंपनी में एंट्री नहीं लिया। बहुत मुश्किल से इधर घूम घूम के एक दो महीने के बाद जब मुंबई में मुझे काम मिल गया, हेल्पर का काम, मैंने हेल्पर का काम भी किया। हेल्पर का काम बहुत, मतलब 12 घंटा उस टाइम में काम करना पड़ता था, और मेरा उम्र भी आप लोग को जानते हैं कितना, वही 15 साल आसपास होगा, 14-15 साल। मैं बहुत मेहनत काम किया हूँ मुंबई में, और रात भर जाग के काम करना पड़ा मुझे हेल्पर का काम। धीरे धीरे काम मेरा भी पेमेंट आने लगा, महीने का उस समय मेरा पेमेंट मिलता था वही 1500-1700 रुपया उस टाइम में था, 2003 का बात बता रहा हूँ, 1200-1500 रुपया महीने का मिलता था। तो उसी में जो भी इनकम होता था पूरा, तो फुल ड्यूटी नहीं होता था, 30 का 30 दिन नहीं हो पाता था ड्यूटी, उसमें तो कभी देखो छोटा बच्चा जब मैं था उसमें इतना तो मेहनत का काम करना पड़ता है, उसमें तबीयत ही ज़्यादा ख़राब होता था, फिर भी उसमें मेहनत करते करते धीरे धीरे पेमेंट बढ़ने लगा। और एक ऐसा टाइम आया जो ड्यूटी 12 घंटा करता था 8 घंटा हो गया, और 8 घंटा को धीरे धीरे फिर पेमेंट भी बढ़ने लगा, 8 घंटा को हो गया था 4000। एक ऐसा दिन आया मेरे लाइफ में, वही सबसे अच्छा वाला दिन था, शायद रात को मैं कंपनी में उस टाइम में ऑपरेटर हो गया था, जो मशीन चलाने का जो मशीन मतलब ये अपना जो
रुई के मिल था, रुई जो कापूस बोलते हैं, कापूस में धागा बनता था, उसी कंपनी में मैं काम करता था। और वो जो कापूस का जो धागा बनता था उसी में मैं पहले हेल्परिंग करता था, उसके बाद वो मशीन चलाने लगा धीरे धीरे। एक रात ऐसा था मेरे लिए वो सबसे, अब आज भी वो रात मुझे याद है। मेरे मशीन के बाजू में थोड़ा लाइट, जो ट्यूबलाइट होता है उस टाइम ट्यूबलाइट ज़्यादा था, वो ट्यूबलाइट दो तीन बंद हो गया था, ट्यूबलाइट बंद हो गया था क्योंकि मैं छोटा से भी जब पढ़ाई करने का टाइम पे मुझे थोड़ा इलेक्ट्री में थोड़ा नॉलेज ही था, थोड़ा बहुत तो मुझे जानकारी था किस तरह कैसे क्या लगाने से चालू हो जाता है लाइट, ऐसा ही था। तो वो ट्यूबलाइट को मैंने क्या किया, मेरा साइट में जो ऊपर में लगा था लाइट, वो दो तीन लाइट ख़राब हो गया था, नहीं जल रहा था, जिसके वजह से मुझे हर रोज़ अंधेरा में काम करना पड़ता था। मैं भी कई बार जाके कंप्लेंट दे चुका था कि भैया ऐसा मेरा लाइट नहीं जल रहा, अंधेरा में काम करना पड़ता है, आप लोग थोड़ा लाइट जला लो। वैसे बोलते बोलते थक गया, लेकिन नहीं, कोई नहीं आगे बनाया। तो एक दिन मेरा मन में आया, अरे ये लाइट तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, मुझे तो थोड़ा बहुत इतना भी जानकारी नहीं था, थोड़ा हल्का हल्का था। तो मैंने क्या किया, वो लाइट को धीरे धीरे मैं खोल के अपना क्या माइंड में आया, मैं धीरे धीरे उसको बनाने लगा। जब सही हो गया, लाइट सही हो गया, एक तो पहला लाइट जो सही हो गया, फिर दूसरा लाइट जो बना रहा था उसी टाइम वो जो कंपनी का जो इंचार्ज था, जो मैनेजर था, वो रात को शायद 11 आसपास होगा वो अंदर घुसवाए। तो अंदर आने के बाद देखें तो मैं एक डिब्बा के ऊपर डिब्बा के ऊपर चढ़ के वो लाइट को कुछ काम कर रहा था, उन्होंने देख लिए। तो देखने के बाद मुझे बोले इधर आओ, तो मैं उनके पास गया। जाने के बाद उस टाइम में शायद एक साल डेढ़ साल बीत गया था मेरा। तो जाने के बाद मुझे पूछने लगा तेरा नाम क्या है, मेरा मैं नाम भी बताया था उनको। मुझे डांटने भी थोड़ा बहुत डांटते थे, अगर इतना छोटा सा बच्चा अगर हाथ में इलेक्ट्री में हाथ लगा रहे, अगर कहीं पे करंट पकड़ लिया तो गिर के मर जाओगे। मैं बोला नहीं ऐसा, तो मैंने उनको भी बोला था, अरे लाइफ में अगर मरना है तो मर जाएंगे, और क्या दिक्कत है इसमें, डरने का क्या बात है, आज पैदा हुए हैं एक बार और मरेंगे एक बार, उसमें बड़ी बात क्या है। तो मैनेजर ने तो वहाँ से डांट के चला गया, मैंने बंद करवा दिया, फिर लाइट जैसे ही था छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरे को ऑफिस में बुलावा आया, मैंने फिर ऑफिस मैनेजर का जो रूम था वो रूम को गया, पूछने लगा कहाँ पे घर, मैंने सब डिटेल से बताया। तो डिटेल सब बोलने के बाद मुझे बोला लाइट का काम आता है, मैं बोला इतना तो जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत मैं जब गांव में था कहीं से देख देख के सीखा था थोड़ा बहुत। और उन्होंने बोला लाइट का काम करोगे, बोला जलाना आता है, मैं बोला तीन तो खराब था, एक तो जला दिया था, तो दूसरा जलाने वाला थे आप पहुंच गए, जिसके वजह से मैं लाइट नहीं जला पाया। तो उन्होंने फिर आने लगे मेरे पास, फिर बोला चलो वो लाइट के पास, मैं आया, फिर वो बोले कि ऊपर चढ़ो कैसे बना रहे थे दिखाओ। मैं जाके एक मुझे पता था उसका स्विच कुछ कहाँ था, कोई स्विच बंद करके मैंने जाके हाथ में प्लास्टिक डाल के, मतलब प्लास्टिक का थैली डाल के तार को घुमा लिया था। तो इसी तरह मैंने काम कर दिया था, फिर दूसरा लाइट भी बनाने लगा, वो भी सक्सेसफुल हो गया, जलने लगा। तब तीसरे लाइट के लिए फिर मुझे एक टेस्टर ने दिलवाया, टेस्टर ने मैंने वो तीसरे लाइट भी जला दिया, सब सही हो गया। मुझे ये तो रात ख़त्म हो गया, मैनेजर ने देख के चला गया। जब सुबह हो गया मैं फिर नेक्स्ट टाइम जब ड्यूटी गया वही फिर दूसरा रात को, तो मैनेजर ने मुझे बोले कि इधर आओ, मैं फिर गया, बोला आज से तेरा काम धंधा बंद। मैं बोला ऐसा सर क्यों, मेरे को रोना भी आ गया था उसी समय, बोला अरे मेरा घर का हालत तो ऐसा है, मैं तो पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाया और मैं क्या करूँ, मैं तो काम धंधा बंद कर, मैंने सोचने लगा अपना। लेकिन थोड़ा वो मैनेजर साहब ने बोले थे कि तुम काम धंधा इसको छोड़ दो, आज से थोड़ा टाइम रुक के हमको बोला कि तू आज से बिजली का काम करोगे कंपनी में।
तो मैंने बोला सर ठीक है, मुझे खुशी हुआ जानकारी, मुझे बुलाए सर। उसी दिन रात को और मैं ड्यूटी पे मतलब काम नहीं की कुछ किया, ऑफिस में बैठा रहा, इधर उधर घूमते रहा। बोला कल से तुम बिजली का काम ही करोगे, तो बिजली का काम मुझे फिर प्रमोशन हो गया बिजली के काम के लिए। तो उसमें मैं सैलरी तो कुछ नहीं बताया थे, 3-4 दिन जो बिजली में तो भर्ती हो गया, लेकिन कुछ लड़का लोग ने जो पुराना थे बोले हुए तो वहाँ पे ऑपरेटर का काम करता था, बिजली का काम कैसे आ गया। आजकल तो उस टाइम का वैसे थे मतलब सह नहीं पाते थे, इतना जल्दी बिजली को ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए किसी को भी मन में शंका हुआ, बोलने लगे जल्दी आ गया। और फिर तो आदमी को भी मुझे भी बिजली में काम करने से में मतलब काम तो शुरू हो गया, धीरे धीरे शुरू हो गया। उसमें मैं हमको जो पुराना आदमी थे वो परेशान हमको किए, ऐसा करो ऐसा करो, वो जाकर कंप्लेन भी कई बार किए हैं मैनेजर के पास, काम नहीं आता थे वो कुछ सुने ही नहीं, मुझे बहुत हेल्प किए थे। और मैं बिजली का काम शुरू करते करते धीरे 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 ऐसा टाइम आ गया, पूरा एक कंपनी पूरा संभालने लगा बिजली का। तब से फिर बिजली से ट्रांसफर हो, धीरे धीरे बिजली का काम साथ साथ आ गया, जो पैनल का वायरिंग का काम मिल गया मुझे, पैनल वायरिंग, और उसका साथ साथ में अपना आया जो डीजी, जो बड़ा बड़ा जनरेटर होता है कंपनी में, वो जनरेटर का भी काम थोड़ा बहुत मैंने फिर वहाँ से भी काम किया, सीखने लगा। ऐसे कई सारे काम किया, काम करते करते सैलरी भी बढ़ गया, जितना पुराना आदमी का जितना सैलरी था उतना मेरा भी सैलरी हो गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं भी जैसे उन लोग जैसे मतलब कंपनी में थे, मैं भी उसी तरह कंपनी में काम करता था। और उस टाइम में कम से कम 3 साल बीत चुका था मेरा, 2003 में यहाँ से गया था, 5 आसपास हो गया था। फिर मेरे आँख का कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरा आँख एक ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे मुंबई में, तो मुंबई में मैंने फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद बहुत एक ही बार गया था, एक बार फिर वापस आया, तो आने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए थे, जो दोस्त लोग का हमारे यहाँ उड़ीसा का भी थे, बिहार महाराष्ट्र गुजरात अहमदाबाद MP UP हर जगह का दोस्त, बहुत इतना दोस्त बन गए थे, आने के लिए वहाँ पे मन नहीं करता था, लेकिन क्या करें यहाँ पे घर का भी परिस्थिति देखना पड़ेगा। तो 2005 मई महीना में मैंने फिर वापस आया, तो आने के बाद घर में सब देख के खुशी हो गया, काफ़ी बड़ा भी हो गया था, और घर में भी काफ़ी लोग पहचान नहीं पाए, अपने दोस्त लोग भी पहचान नहीं पाए मुझे, दोस्त लोग साथ में जो भी बाजू में देखता था मुझे मतलब पहचान नहीं पा रहा था, मैं इतना बड़ा हो चुका था, काफ़ी बड़ा हो गया था, और हेल्दी भी थोड़ा मोटा फोटा भी हो गया था, पिछला तो जो बॉडी था वो नहीं था। तो हमको परिचय देना पड़ा अपने दोस्तों के साथ, फिर मैंने आके फिर कुछ दिनों के बाद गांव में तो पहुंच गया, पहुंचने के बाद कुछ दिन ऐसे 1-2 महीना घूमने लगा, फिर चक्कर आने लगा क्या करो कैसे, फिर अपना फिर घर को फिर तो वहाँ नहीं जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ काम धंधा करेगा। फिर एक गुमटी मिल गया मुझे किराए पे, वो गुमटी में मैं किराया लेके फिर दुकान शुरू किया, और दुकान शुरू करने के बाद वही मशीन, उस टाइम मोबाइल का भाउचर निकला था, वो सिम एक एक का दाम था 999, 1800 रुपया ऐसा सिम का दाम था, महीने का रिचार्ज 399 ऐसा, वैलिडिटी पावर जो आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले एयरटेल का वैलिडिटी पावर 399 था, 1 महीना चलाओ 35 पैसा या 40 पैसा ऐसा कुछ था, ठीक से याद नहीं। फिर उसी दुकान ने शुरू किया, उसी दुकान से धीरे 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 मोबाइल का एसोसरी रखने लगा, मोबाइल एसोसरी के साथ साथ स्टील मशीन भी था, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उस टाइम डेक था, सब आप लोग सुने होंगे गाड़ी वालों के पास बहुत सारे डेक ही था, जो गाना रिकॉर्डिंग करते थे, मैं गाना भी बहुत रिकॉर्डिंग किया हूँ। तो साथ में वो दुकान के साथ साथ हमको एक अच्छा आइडिया आया,
मैं बोला यार मैं तो पढ़ाई आधा में छोड़ दिया था, फिर थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं अच्छा होगा। तो मैंने फिर उसका बाद पढ़ाई फिर शुरू किया। पढ़ाई शुरू करने के बाद उसका उसी टाइम पे दुकान के टाइम पे दुकान से टाइम निकल निकल के मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था। फिर एक ऐसा दिन आया मैं बोला एक काम करते हैं कंप्यूटर थोड़ा सीख लेते हैं, कंप्यूटर क्या चीज़, कंप्यूटर तो हमको देखने के लिए नहीं मिलता था उस समय। मैं बोला कंप्यूटर थोड़ा देख लेंगे कैसा है। तो एक अपॉर्चुनिटी आया मेरे को कंप्यूटर सीखने के लिए कम पैसा में। मैंने थोड़ा मेरा गांव से 16-17 किलोमीटर दूर था। मैं बोला जाने आने का मुझे तो प्रॉब्लम होगा, क्या करे क्या करे। कुछ दिन लिफ्ट मांग मांग पे गया दोस्तों लोगों के साथ। कोई पहचान या कोई बिना पहचान वाला भी चला जाता था लिफ्ट मांग के। जाने के बाद 2-3 महीना ऐसे गया और धीरे धीरे वहाँ से मतलब कंप्यूटर ख़त्म करके यहाँ से फिर यहाँ पे कॉलेज में भी क्लास करता था और क्लास करके जैसे टाइम मिलता था आ जाता था दुकान खोलने के लिए। तो दुकान भी खोल के जो थोड़ा बहुत पैसा आता था मेरे पास वही पैसा में पढ़ाई पढ़ाई करता था, घर का खर्चा भी थोड़ा बहुत चलता था। और उसी तरह मैंने कंप्यूटर करने के बाद एक साइकिल ख़रीदा। उस टाइम साइकिल का लिया था 1850 रुपया साइकिल लिया था। और ये साइकिल से मैं कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहा था जो 15-16 किलोमीटर था दूर। वो धूप का दिन बहुत धूप था। मैं यहाँ से निकलता था 9 बजे, मुझे कम से कम 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लग जाता था पहुँचने के लिए। वहाँ पे बोलते थे इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं बोला क्या धूप में तो मुझे आना, मैं तो आ रहा हूँ साइकिल से धीरे धीरे, क्या करें दूर जो ज़्यादा दूर में आता है। तो ऐसे ही एडजस्ट करके तो कंप्यूटर का क्लास भी ख़त्म कर लिया। वही साइकिल से मतलब जाते आते था। तो कंप्यूटर क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मेरा वो सब पढ़ाई ये भी ख़त्म हो रहा है हो गया। तो उसके बाद मैंने किया कि वही दुकान को शिफ्ट करवा लिया दूसरा जगह। तो उसी दुकान से मोबाइल का एसेसरी ज़्यादा भरने लगा। तो वहीं से मोबाइल फिर रखने लगा। तो मोबाइल से आज भी 2006-07 से शुरू किया था आज तक है मेरा वही छोटा सा मोबाइल दुकान है अभी भी चल रहा है। अभी तो मैं फिर बीच में मैंने पढ़ाई ख़त्म करके मैं ऐसा सोचा कि कुछ तो करना चाहिए दुकान के साथ साथ। मैंने किया गया मोबाइल का रिपेयरिंग पर भी काम थोड़ा मैंने सीखने लगा, जाके ट्रेनिंग भी लिया था मोबाइल का रिपेयरिंग का। तो मोबाइल रिपेयरिंग करने के साथ साथ दुकान बढ़ने लगा। दुकान भी वहाँ पे तो जो नया दुकान दूसरा जगह शिफ्ट किया था वहीं पे मोबाइल एसोसिएशन सब दुकान अच्छा खासा भी चल रहा था। आज का वीडियो इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट में और कुछ मेरे बारे में बताऊंगा जो बचपन का याद है हमारे, कैसे फिर कैसे शादी हुआ, कैसे हमने क्या क्या किया, हमारे बीबी बच्चे सब कहाँ पे रहते हैं, सब धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को। आप वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, वीडियो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का मोहब्बत हमको ज़रूरत है। आप लोगों अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कभी भी नहीं जा पाऊँगा। आप लोग को सपोर्ट माध्यम से मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। प्लीज़ अपना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर, अपना बारे में फिर बताऊँगा आपको, अपना बच्चे बीबी कहाँ पे रहते हैं, हम लोग अभी क्या करते हैं वो सब बताएँगे। आप तो जान चुके होंगे, दुकान ही दिख रहा होगा आपको, दुकान तो दिखाई दे रहा है। हम कहाँ पे रहते हैं, बीबी बच्चे घर में और कौन कौन रहते हैं अभी सब बताएंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो से। जय जगन्नाथ।